हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप देखिए हम क्या कर रहे थे। सबसे पहले हमने एलपीपी फॉर्मुलेट की, ऑपरेशन सर्च में एलपीपी फॉर्मुलेट की। फिर हमने ग्राफिकल मेथड किया, जो हमारे पास प्रॉब्लम थी एलपीपी को फॉर्मुलेट करने के बाद उसको हमने ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सोल्व किया। उसमें भी हमारे पास कई तरह की प्रॉब्लम आई, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, इनफिजिबल सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन, इस तरह से। तो उन सभी को हमने ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सोल्व किया। फिर हमने क्या किया, उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड यूज किया, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम उसको मैन्युअली टेबल की हेल्प से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब सिंप्लेक्स मेथड में हमने टू प्रॉब्लम्स किए हैं। वन इज फॉर टू वेरिएबल मैक्सिमाइजेशन केस एंड सेकेंड इज फॉर थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमाइजेशन केस। अब मैं आपको करवा रही हूँ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय बिग एम मेथड और पेनल्टी मेथड। तो इससे पहले कि मैं आपको स्टार्ट करवाऊँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे इस चीज के लिए मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और नई नई वीडियो ला सकूँ। आप देखिए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम बिग एम मेथड और पेनल्टी मेथड कैसे यूज करते हैं। जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है, हम सबसे पहले एलपीपी लिखते हैं। वी हैव द प्रॉब्लम, वी हैव टू मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड दैट इज 5x प्लस 6y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 1500 एंड सेकेंड इज 3x प्लस 2y 3x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 वेयर x एंड y आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसमें जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है वो क्या है, बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू। हमें क्या करना होता है, कंस्ट्रेंट्स को पहले इक्वेशन के फॉर्म में, इनइक्वालिटीज को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सरप्लस और स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। अब ये हमारे पास ग्रेटर देन है, इट मीन देर इज सरप्लस, सरप्लसनेस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें माइनस करना होगा सरप्लस वेरिएबल। तो हम लिख लेते हैं इसमें, नाउ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल्स एस वन एंड एस टू, इनके कोफिशियंट क्या होंगे जब हम इसमें करेंगे, इसके साथ साथ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी चेंज होता रहेगा। हमने इनको करना है चेंज, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेती हूं मैं, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 6y सब्जेक्ट टू 2x प्लस 5y माइनस एस वन, दिस इज इक्वल टू 1500, देन 3x प्लस y माइनस एस टू, दिस इज 1200। अब ये देखिए एस वन और एस टू जो है सरप्लस वेरिएबल है विद नेगेटिव साइन। अगर ये हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाते हैं तो ये हमारी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को वायलेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके जो कॉस्ट कोफिशियंट होते हैं उनको हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू। अब हमारे पास एक कंडीशन और होती है कि जब हमने सिंप्लेक्स मेथड यूज करना है तो जितने भी हमारे पास कंस्टेंट होते हैं उतने ही ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास टू ऑर्डर के टू कंस्टेंट है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए 1 0 एंड 0 1, बट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं विच हैव द वैल्यूज विच हैज द मैक्सिमम कॉस्ट कोफिशियंट। वो मैक्सिमम हम क्यों कहते हैं, उसमें हम उसमें पेनल्टी लगा देते हैं कि ताकि वो हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में बेसिक वेरिएबल की जगह पर एंट्री ना कर पाए। तो उसके लिए भी मैं आपको बाय स्टेप बाय स्टेप बताती रहूंगी कि कैसे ये हम इसको पेनल्टी बोलते हैं एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। दे आर द फिक्टिशियस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर द फिक्टिशियस वेरिएबल विच हैव नो फिजिकल प्रेजेंस इन द डाटा। अब हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू। यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया ए वन, यहाँ पर हमारे पास हो गया ए टू। यहाँ पर मैं ऐसे कर लेती हूँ, जीरो ए वन प्लस यहाँ पर ए टू, दिस विल बी जीरो ए टू।
तो ये हमारे पास आ जाता है। और यहाँ पर जब हम करेंगे, मैंने आपको बताया कि इसमें पेनल्टी लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो दे विल हैव एम टाइम्स ए वन प्लस एम टाइम्स ए टू। जब हमारे पास मिनिमाइजेशन का केस है तो प्लस एम, अगर हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का केस होता तो दे विल बी माइनस माइनस, वेयर एक्स वाई एस वन एस टू ए वन ए टू All are greater than equal to zero. तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इनिशियल टेबल के लिए इक्वेशंस आ गई। अब इनकी हेल्प से हम इनिशियल टेबल बनाते हैं। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मैंने आपको बताया था कुछ हमें पॉइंट्स याद करने रहते हैं, पढ़ते हैं इनिशियल बेसिक टेबल के लिए। उसके बाद हम जैसे वो पीछे मेथड किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिक वेरिएबल्स, then cost coefficient, then solution value, then x, y, s1, s2, a1, a2। जितने भी हमारे पास यहाँ पर डाटा में वेरिएबल्स होंगे हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। अब बेसिक वेरिएबल क्या होंगे, विच गिव अस द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a1 एंड a2 आर द बेसिक वेरिएबल्स a1 A2। इनके कोस्ट क्या है, M, M। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हम इनकी कोस्ट देखते हैं। देन सॉल्यूशन वैल्यू, सॉल्यूशन वैल्यू क्या होगी, जो हमारे राइट हैंड साइड में होगी, A1 के अपोजिट 1500, A2 के अपोजिट 1200। फिर हमने x के कोफिशिएंट देखने हैं 2 एंड 3, y इज 5 एंड 1, s1 इज हैविंग -1 एंड 0, दिस इज 0 एंड -1। ये फर्स्ट में हमारे कंस्ट्रेंट में ऐड हुआ तो 1001, ये हमारे पास आ गया, ये हमारी इनिशियल टेबल बन गई। इसी के साथ हम इनके कोस्ट कोफिशिएंट भी लिख लेते हैं। एक्स का कोस्ट कोफिशिएंट क्या है, 5, वाई का 6, दिस इज 0 0, एम एंड एम, ये हमारे पास कोस्ट कोफिशिएंट आ जाते हैं। अब हम सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, जेड जे। जेड जे के लिए जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, व्हाट इज जेड जे, जेड जे इज द समीशन ऑफ सी जे एक्स जे। तो कोस्ट हमारी ये है और हमारे एक्स ये यहाँ यहाँ पर, जितने भी हमारे पास एंट्री के अकॉर्डिंगली होंगे, तो ये क्या होगा, 1500 m प्लस 1200 m, इट विल बी 2700 m। देन 2m प्लस 3m, दिस इज 5m, then 5m plus 1m, this is 6m, this is minus m, here is also minus m, this is m and m। अब हमने क्या निकालना है, cj, cj क्या होगा हमारे पास, sorry, अब हमने निकालना है cj minus zj। ये हम यहाँ से solution value के नीचे से start करते हैं। तो cj क्या है, 5 minus 5m, and in this case 6 minus 6m, 0 minus of minus m is प्लस एम, जीरो ऑफ माइनस एम ऑफ माइनस एम इज प्लस एम, दिस इज जीरो, एम माइनस एम इज जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो। अब ये देखना है हमें कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। वो इसमें प्रॉब्लम में हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, वी हैव टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब हमने इसमें मिनिमम वैल्यू देखने हैं, तो इट मीन्स वी शुड हैव ऑल द एंट्री सी जे माइनस जेड जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मिनिमाइजेशन के केस में। जब हमने मैक्सिमाइजेशन का केस किया था, आपने लास्ट वीडियो में देखिए, तो हमने क्या लिया था, मैक्सिमाइजेशन केस में ऑल सी जे माइनस जेड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, बट इन मिनिमाइजेशन केस ऑल सी जे माइनस जेड जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देखेंगे नेगेटिव वाली। अगर नेगेटिव वाली कोई वैल्यू आती है तो हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एम एम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आप मिनिमम वैल्यू से पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं एम को 1 पुट करती हूँ तो इट विल बी 0, इट विल बी 0 1 1, तो उससे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि ये 0 0 2 आ रहे हैं जो हमारे मेन बेसिक वेरिएबल में एंट्री होंगे। अब मैं 2 पुट करती हूँ, इट विल बी 5 माइनस 5 2 टाइम्स 5 10, 5 माइनस 10 इज माइनस 5। हम थोड़ा सा रफ टफ देख लेते हैं, दिस इज माइनस 5। जब इसमें 2 पुट करेंगे तो 6 माइनस 12 इज माइनस 6,
दिस इज टू टू, दिस इज जीरो एंड जीरो। तो अब इनमें मिनिमम वैल्यू देखिए, इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास नेगेटिव में जो होंगी माइनस फाइव और माइनस सिक्स में, माइनस सिक्स इज द मिनिमम वैल्यू। तो इट मीन्स दिस इज फॉर इंट्रोड्यूस वेरिएबल, दिस वेरिएबल वी हैव टू इंट्रोड्यूस। आप इस कॉलम में ऊपर जाइए तो y इज द इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल। अब इसके बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो क्या होगा, सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय द वेरिएबल विच है वी हैव टू इंट्रोड्यूस। सॉल्यूशन वैल्यू क्या है 1500 डिवाइडेड बाय y का जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो डिवाइड करेंगे 1500 डिवाइडेड बाय 5 तो इट विल बी 300। देन 1200 डिवाइड बाय 1 इट विल बी 1200। तो अब हमारे पास क्या हुआ, मिनिमम एंट्री क्या आ गई हमारे पास 300, दिस इज अवर मिनिमम वैल्यू। तो अब हम इस रो में लेफ्ट में जाएंगे तो हमने देखा कि जो A1 है ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल सिलेक्ट हुआ, इट मींस दिस वेरिएबल वी हैव टू एलिमिनेट एंड इन इन द प्लेस ऑफ दिस वी हैव टू इंट्रोड्यूस द वेरिएबल y। तो अब ये देखिए A1 में क्या एंट्री थी हमारी 1 एंड 0, इट मींस हमने यहां पर y में क्या बनाना है 1 एंड 0। तो जो 1 बनाना है वी कैन सर्कल दैट पॉइंट और हम इसको स्टार भी दे सकते हैं बिकॉज दिस इज द की पॉइंट और पाइवट पॉइंट, कि जिसको हमने इसको की पॉइंट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पॉइंट को हमने, इस एलिमेंट को हमने वन बनाना है और उसके नीचे ऊपर की एंट्री को जो बनाते हैं हम जीरो बनाते हैं। तो अब जो हमारा ऑपरेशन लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा क्योंकि सबसे पहले हमने इसको वन बनाना है, फिर इसको सेंटर में रख के हम दूसरे ऑपरेशन लगाएंगे और उनको जीरो करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 1 0 बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें कॉलम ऑपरेशन नहीं लगते, ओनली रो ऑपरेशन लगते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमने ऑपरेशन क्या लगाना है, R1 इज सच दैट R1 इज R1 डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम टेबल बनाते हैं। तो बेसिक वेरिएबल सेम एंट्रीज की जो इनिशियल है वो सेम ही रहेंगे, सॉल्यूशन वैल्यू एक्स वाई S1 S2, A1, A2 एंड मिनिमम रेशियो। तो अब ये देखिए हमने यहां पर A1 की जगह पर लिख देना रिप्लेसमेंट में Y, Y का जो हमारे पास कॉस्ट कोफिशिएंट था वो क्या था 6, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होता है वो सेम रहता है। अब इसको आगे हम सारे रो पे ऑपरेशन लगाते हैं, 1500 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 300, दिस इज 2/5, दिस इज 1, दिस इज -1/5, 0, 1/5 एंड 0। अब हमने इसको सेंटर में रख के सेकेंड ऑपरेशन लगाना है, इसको हमने रो टू को जीरो करना है। तो क्या हो जाएगा, रो टू जीरो करने के लिए इसकी मैंने रो टू ली और इसमें रो वन दी क्योंकि इस पर ऑपरेशन लग चुका है, तो इसमें से रो टू में से रो वन को हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। आप एक अलग से भी टेबल बना सकते हो, मैंने आपको पहले भी टेबल में बताया था, वीडियोस में बताया था कि हमने फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाया, सेकंड रो को आप एज इट इज लिख लीजिए, फिर आप एक और टेबल बनाओगे उसके लिए क्या करोगे, आप फिर ऑपरेशन लगाओगे उसको जीरो करोगे। बट आई एम डूइंग इन दिस बिकॉज अदरवाइज आई हैव टू मेक मोर टेबल्स फॉर दैट। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R2 इज सच दैट R2 इज -R1। तो R1 हम इस टेबल का ले रहे हैं, R2 इधर वाले टेबल का ले रहे हैं। तो A2 तो क्या हो जाएगा, A2 का जो हमारे पास कॉस्ट कोफिशिएंट है दैट इज M, तो 1200 -300 क्योंकि हमने R1 इसका लेना है और R2 इसका लेना है। ये आप प्रैक्टिस स्टेप करोगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। फिर क्या है, 3 -2/5 इट विल बी 12/5, देन 1 - 1 इज 0, सॉरी दिस इज 13/5। तो अब हमारे पास करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस ऑफ 1/5 इट विल बी 1/5, देन S2 -1 0 -1 दिस इज 0 ऑफ -1/5 दिस इज -1/5 एंड दिस इज। आप इसको A1 जब हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल रिप्लेस हो जाता है तो यू कैन एलिमिनेट दिस कॉलम ऑल्सो। आप इसको कैरी ऑन करना चाहते हो तो कैरी ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉलम को यहां पर खत्म भी कर सकते हो, S2 के बाद आप A1 लिख सकते हो, ये आपके विषय है। तो अब हमने क्या निकालना है, ZJ
जेड जे इज वट, मैं आपको बार बार में बता रही हूँ, दिस इज समेशन ऑफ सी जे एक्स आई एक्स जे। तो अब क्या आ जाएगा, 300 इंटू 6 1800 प्लस 900 m, 1800 प्लस 900 m। अब इसको करोगे, दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 5 12 बाय 5 प्लस 13 बाय 5 m। इसको करोगे आप सेकेंड वाले के नेक्स्ट वाले को, दिस इज 6, अब नेक्स्ट वाले को करोगे माइनस 6 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 ऑफ m। दिस इज 0, दिस इज माइनस m, दिस इज A1 को आप एलिमिनेट करना चाहते हो एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसकी एंट्री आप यहाँ पर डैश ही लिखते हो, उसको बार बार में कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 0 इंटू 6 0 एंड दिस इज m। अब हमने क्या करना है, सी जे माइनस जेड जे निकालना है, सी जे माइनस जेड जे। अब इसके लिए देखिए आप निकालोगे जब क्या हो जाएगा, सी जे एक्स का क्या था हमारा 5 था, दिस इज हैविंग 6 0 0 एंड m। तो करोगे 5 माइनस 12 बाई 5 माइनस 13 बाई 5 ऑफ m। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 माइनस 13 m ओवर 5। देन 6 माइनस 6 इज 0, दिस इज 0 माइनस ऑफ दिस, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस जो हमारे पास एंट्री है दैट विल बी दिस। 0 माइनस ऑफ माइनस m इज प्लस m, दिस डैश माइनस ऑफ। अब हमने चेक करना है कि जो सी जे माइनस जेड जे है हमारा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, ओ सी जे माइनस जेड जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन। तो आप यहाँ पर 1 पुट करके देखिए, तो 1 से अगर हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो ये क्या आ जाएगा, 1 से 13 माइनस 13 0, तो 1 से हमें अच्छी तरह क्लियर नहीं हो पाता, तो आई एम पुटिंग 2, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 26 बाय 5, दिस विल बी माइनस 13 बाय 5। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, माइनस 13 बाय 5, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 पुट करोगे, 6 बाय 5 माइनस 2 बाय 5, दिस विल बी 4 बाय 5, ये हमारे पास पॉजिटिव एंट्री आ जाती है, दिस इज 2, दिस इज 0। अब ये देखिए नेगेटिव वैल्यू कौन सी आ रही है, ये वाली, इट मीन्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस वेरिएबल। तो अब जो इंट्रोड्यूस वेरिएबल क्या होगा हमारा, एक्स वेरिएबल, तो इसके प्लेस में हम क्या करेंगे, मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो क्या होता है, सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच वी वांट टू इंट्रोड्यूस। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वैल्यू हमारी 300 डिवाइडेड बाय 2 बाय 5, तो देखिए क्या बनेगा, दिस विल बी 1500 750, देन 900 डिवाइड बाय 13 बाय 5, इट विल बी 4500 डिवाइड बाय 13, दिस विल बिकम 34 to something like this। तो जो ये हमारे पास आ जाएगी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दिस वन विल बी द मिनिमम वैल्यू, दिस इज अवर मिनिमम वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है, एलिमिनेट, इस रो में नेक्स्ट लाए जाएंगे तो हमारे पास जो एंट्री आ जाएगी दैट विल बी ए टू, जो हमने एंट्री एलिमिनेट करनी है दैट विल बी ए टू, और इसकी जगह पर हमने क्या करना है, इंट्रोड्यूस वेरिएबल एक्स। तो अब हम देखेंगे, तो ए टू में हमारे पास क्या एंट्री है, जीरो एंड वन, तो हमने एक्स में क्या लाना है, जीरो एंड वन, दिस विल बी अवर की एलिमेंट, की एलिमेंट है, तो हमने इसको पहले वन बनाना है, फिर ऑपरेशन लगा के इसको जीरो बनाना है। इसको वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आइदर वी डिवाइड दिस सेकंड रो बाय 13 बाय 5 और मल्टीप्लाई इट बाय 5 बाय 13। सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस एक्स एंड एलिमिनेट ए टू। तो बेसिक वेरिएबल क्या हो जाएंगे हमारे, y, x, y का कॉस्ट कोफिशिएंट क्या था हमारे पास 6, इसका हमारे पास 5, सॉल्यूशन वैल्यू क्या आई है हमारे पास, पहले हम इस पे रो ऑपरेशन लगाते हैं, तो वी हैव टू डिवाइड r, क्या बनेगा यहाँ पर
आर टू इज सच दैट आर टू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 5/30, तो हमने इसको करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 900 मल्टीप्लाई बाय 5/30, इट विल बी 4500 डिवाइडेड बाय 30। देन एक्स के लिए इसको आप करोगे इट विल बी 1, वाई के लिए करोगे 0, एस के लिए आप करोगे इसको मल्टीप्लाई तो इट विल बिकम 5/13, 1/13, एस टू के लिए करोगे -5/13, और इनको ए वन और ए टू जब हमारे रिप्लेस हो चुके हैं तो वी कैन एलिमिनेट दीज कॉलम्स, अदरवाइज यू हैव टू मेक द कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन फॉर दैट। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको कंसिडर करके, वन हमारा की एलिमेंट है, इसको कंसिडर करके फर्स्ट रो पे हम ऑपरेशन लगाएंगे और इसको हमने जीरो करना है, तो क्या बन जाएगा, आर वन इज सच दैट आर वन इज माइनस, आर वन में से हम क्या करेंगे 2/5 टाइम्स ऑफ आर टू, ये हमने माइनस करना है इसमें, क्या आई, आर वन में से हमने माइनस करना है 2/5 टाइम्स ऑफ आर टू, तो आर टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वन इज अवर 300 माइनस 2/5 टाइम्स ऑफ 4500 डिवाइड बाय 13, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इट विल बी 2100/13, फिर x के लिए करोगे तो इट विल बी 0, देन y के लिए दिस विल बी 1, देन इसके लिए आप करोगे s1 के लिए तो इट विल बिकम -3/13, देन फॉर s2 इट विल बिकम 2/13। अब फिर हम क्या करते हैं, zj निकाल के देखते हैं, हमें यहीं पर स्टॉप नहीं करना, बिकॉज समटाइम्स हमारे पास क्या होता है, ये जो एक्स वाई वेरिएबल है ये भी हमारे रिप्लेस हो जाते हैं सरप्लस और स्लैक वेरिएबल से, हमने तब तक चलना है जब तक हमारे पास ऑल सी जे माइनस जेड जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना आ जाए, तो अब जेड जे हमारा चलेगा तो क्या हो जाएगा, जेड जे समेशन ऑफ सी जे मल्टीप्लाई एक्स जे, तो क्या हो जाएगा 2100 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4500 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 5 इट विल बिकम 2700, फिर आप करोगे दिस विल बी 5 दिस विल बी 6 मल्टीप्लाई जब करके देखोगे तो दिस विल बी आवर माइनस दिस इज माइनस 18/13 एंड दिस इज 5/13 दिस विल बी आवर -1 एंड दिस विल बी -1। अब सी जे माइनस जेड जे हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या होता है सी जे माइनस जेड जे, सी जे हमारा 5 है, 5 माइनस 0 इज 0, दिस इज 0, 0 माइनस 1 0 प्लस दिस इज प्लस, तो हेयर ऑल सी जे माइनस जेड जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपने रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं, तो अब इसके वैल्यू देखिए, जो रिजल्ट की हमारे पास वैल्यू आई दैट इज एक्स की वैल्यू आती है हमारी यहाँ पर, एक्स इज 4500 डिवाइडेड बाय 13, वाई की क्या है सॉल्यूशन वैल्यू, वाई इज हैविंग 2100/13 एंड जेड इज हैविंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरिएबल वैल्यू जेड इज हैविंग 2700, सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू विच इज मिनिमम वैल्यू। अगर आपका कोई भी बेसिक आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक वेरिएबल में ऑप्टिमल, बिकॉज दिस इज अवर ऑप्टिमल टेबल, ऑप्टिमल टेबल को क्या होता है जिससे हमें सॉल्यूशन मिलता है कि जो हमने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को वो वैल्यू हमें लास्ट में मिल जाती है, दैट टेबल इज अवर ऑप्टिमल टेबल। अगर हमारे बेसिक वेरिएबल में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पर रह जाता लाइक ए वन और ए टू तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाता, इनफिजिबल सॉल्यूशन, बिकॉज ए वन एंड ए टू आर द फिक्टिशियस वेरिएबल और दे आर हैविंग द बिग पेनल्टी लाइक एम। ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, बिग एम मेथड, बिग एम मेथड हम क्यों यूज करते हैं, वेन वी हैव द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम
वो तो आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा। और उसमें क्या होता है, हम सरप्लस वेरिएबल को माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद क्या होता है, हमारी कंडीशन वायलेंट हो जाती है, हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आती, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी बिग पेनल्टी लगी होती है, दैट इज एम। अगर मिनिमाइजेशन केस है तो पेनल्टी जो होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम लगाएंगे दैट विल बी प्लस एम, और जो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन केस होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस एम। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैक्सिमाइजेशन का केस भी करवाऊंगी, मिक्स कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम भी करवाऊंगी। उसके लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको इसके बाद भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट ऑन आवर मेल और इन द कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।